गाइस कॉन्स्टिट्यूशन constitution और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो वर्ड्स हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री से जुड़े हुए हैं जो भी मोनार्किक टोटेलीटेरियन या डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज हैं यानी कि जहाँ पे राजतंत्र है या फिर एक ही राजनीतिक दल है या फिर तानाशाही सिस्टम है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और अगर है भी तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वॉट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड यानी कि ये किसी भी कंट्री का सर्वोच्च नियम होता है कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स है यानी कि नियमों का समूह है जो बताता है कि कोई भी कंट्री स्टेट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स हैं जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन सारी पावर्स का सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल को जो भी राइट्स दिए गए हैं लाइक राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ और जो भी फ्रीडम्स दी गई हैं लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड एक्सेट्रा तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सभी अधिकारों की गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं जो सभी सिटीजनस और गवर्नमेंट फॉलो करें और कोई भी अपनी मनमर्जी ना चलाए अपनी पावर का मिसयूज ना करे कॉन्स्टिट्यूशन एक मीन्स है गोल अचीव करने का क्या गोल है कॉन्स्टिट्यूशन Constitution का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अचीव करना नाउ लेट अस सी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है सो so, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से जैसे चाहे वैसे रूल करती है इसमें कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता जो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर सके और जो लोगों के राइट्स हैं उनकी जो फ्रीडम है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है किसमें नॉन कॉन्स्ट्टिट्यूशनज़म में और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनिज़म के जस्ट अपोजिट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनिजम वो प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाता है ताकि लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें बिलीव है वैल्यूज हैं कि गवर्नमेंट अपनी पावर को एब्यूज़ ना करे और लोगों की आज़ादी और उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिविजुअल की बेसिक फ्रीडम को प्रिजर्व करता है और इंडिविजुअल की डिग्निटी और पर्सनैलिटी मेंटेन रहे इस बात का भी ध्यान रखता है अगर एक लाइन में बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है देन द आंसर इज़ इट इज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट हेयर इज अ कोर्ट अ कंट्री मेंस्टिट्यूशन बट नॉट नेली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा ही होगा एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम नाइनटीन ट्वेंटी वन में हिटलर जर्मनी की नाजी पार्टी का लीडर बन गया था और नाजी पार्टी ने पूरी कंट्री को कंट्रोल कर लिया था और कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया था डिकटेटरशिप कंट्री में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था हिटलर किसी के कहने पे नहीं चलता था एक तानाशाह गवर्नमेंट बन गई थी जिसके पावर्स पे कोई लिमिटेशंस नहीं थी तो हमने देखा कि कंट्री को रन करने के लिए पावर होनी चाहिए लेकिन कैसी पावर कंट्रोल एंड लिमिटेड पावर होनी चाहिए तो एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन Constitution और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सेट ऑफ रूल्स हैं जो कंट्री का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और गाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल के राइट्स और उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ है कंट्री का जिससे बाकी सारे लॉस को ड्राइव किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन इज बैक बोन ऑफ कंट्री वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिजम क्या है ये सिस्टम है गवर्नेंस का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंसान है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंसानियत है जरूरी नहीं है कि इंसान है तो उसमें इंसानियत भी हो कॉन्स्टिट्यूशन एक मीन्स है गोल अचीव करने का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारा गोल है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उनकी जो अथॉरिटी है उसका स्कोप क्या है वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उन पावर्स पे लिमिट इम्पोज करता है टू प्रिजर्व द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ पीपल सो दिस इज इट विद द लेसन डू स्मैश द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू एंजॉयड द लेसन